अब मैं कौन उपाय करूं जेह विद मन को संसार चूक पावनिद पार परों जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदे बख्शे हुए नाम भाई साहब भाई जीवन सिंह जी उन्हां दी शहादत नू ए विशेष गुरमत सलाना समागम समर्पित ने। सन्मान योग बाबा अवतार सिंह जी जेड़े पंथक कारजां विच वध चढ़ के हिस्सा पाते और थां पर थां जाकर गुरमत दीवाना राही सतगुरु जी दे घर दे शब्द का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने आप जी दे दर्शन करन दा अवसर बख्शिया है। सन्मान योग बाबा हरभजन सिंह स्टेज ते ने होर सारे गुरमुख प्यारे आओ बाबा अमीर सिंह जी थोड़े शब्दों विच सतगुरां दी शहादत दे संबंध विच विचार करके गए खा। आपां सतगुरां दीआं सिफतां ते शहादतां नूं नतमस्तक हो सकीए। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। फतेह। पिछली वरी दास जदो आया सी रात्रि दे दीवान विच मैनू याद है उस वेले आपां शहीद शब्द की व्याख्या कीती सी के शहीद किवें पंजाबी विच साडे विच ये शब्द आया है क्योंकि भारत दे किसे भी हिस्से विच गुरु अर्जुन देव की शहादत तो पहला इस लफ्ज की वरतों हुंदी ही नहीं। बलिदान सी पर शहीद ते शहादत दोनों लफ्ज जेड़े ने ए अरबी दे ने। शहीद का अर्थ है गवाह ते शहादत का लफ्जी अर्थ है गवाही। ये दोनों शब्द ने शहीद गवाह ते शहादत गवाही। जेड़ा लफज शहीदी है ये अरबी विच किते भी नहीं वरत्या गया। आप जिन्हों पता होना है भाषावां एक दूजे दे शब्द उधारे लेंदियां ने शब्द ले लेंदियां ने पर उन्हां शब्दां विचों कुछ तत् सम हुंदे ने कुछ तत् भाव हुंदे ने ते कई बारी भाषावां दूजे दे शब्द नूं अपने विच नवां जन्म दे दिंदियां। मर्ज कीती शहीद ते शहादत दोनों शब्द अरबी विचों ने पर शहीदी लफज असी पंजाबी विचों अपना बनाया है क्योंकि असी कहने शहीदी नूं समर्पित है। मैं अर्ज कीती शहीद का अर्थ गवाह ते शहादत का अर्थ गवाही। थोड़ी जी आरंभ विच मैं आप जी नूं कुछ बेनतियां करनियां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी चो कि गुरु नानक साहिब जी दे मत मुताबक जां सतगुरु दे बख्शे हुए सुनहरी सिद्धांत अनुसार
जात कोई भी होवे, पिछोकड़ कोई भी होवे, जिस दा हिरदा पार ब्रह्म दे शब्द विच भिज गया है, सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच उहनां नूं इक सारता ही दित्ती गई है। गुरु नानक साहिब जी ने हिंदू धर्म बारे बहुत शब्द कहे, इस्लाम बारे हजूर ने बहुत कुछ किया, जोग मत संबंधी बहुत कुछ बोले हजूर ने बाणी च फरमाया, इथों तक के जैनी सरेवड़ियां बारे भी गुरु ग्रंथ साहिब च हजूर ने शब्द उच्चारण किए। थोड़ा थोड़ा आपां सारे लांगे जी, पर गुरु नानक साहिब किसी भी मजहब नूं किसी भी धर्म नूं अपमानित करना जां नीवां दिखाना इहनूं कत ही पसंद नहीं करदे। जे उस धर्म विच कमजोरियां ने, धर्म शब्द ना वरतां, जे उस धर्म की व्याख्या करन वाले, क्योंकि धर्म शब्द च ते कमजोरी है, जे उस विच कोई कमजोरी है तो गुरु नानक साहब उस दी कमजोरी नूं बाहर कढ़न लई उहनूं सदबुद्धि देंदे ने, ना कि उहनूं अपमानित कर रहे। बेनती है, हुणे बाबा जी पढ़ के गए तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, गुरसिखां ने शब्द पढ़े। आप सब नूं पता है, सारे प्रचारक असीं कहिंदे गुरु नानक साहब नूं 9 साल की उम्र विच उहनां दे जो परिवार का धर्म सी उस मुताबक पंडित हरदयाल जी जनेऊ पाण आए, पर जिहड़ी जनेऊ की व्याख्या, जिहड़ी जनेऊ की अंदर की व्याख्या उस चिन्ह की गुरु नानक साहब ने की, वह पाण वाले ब्राह्मण के कोल भी व्याख्या नहीं सी। जिवें वह जनेऊ पाण आया, गुरु साहब ने पहला सवाल किया, असल जिन्हों जनेऊ पाया जाता सी उन्हों दवेज कहिंदे सन। एक तो दवेज शब्द असी ब्राह्मण लई वरतने, दवेज का अर्थ है जिस का दूसरा जन्म होया, जिहदा दूजा जन्म हो जाए उन्हों दवेज कहिंदे आ। ब्राह्मण खत्री ते वैश जनेऊ पा सकदा सी, खिमा करो जिन्हों शूदर कहिंदे सन, वह लोग कहिंदे सन। शूदर नूं कोई हक नहीं सी कि वह धर्म नूं धारण कर सके ते अपने तन ते जनेऊ पा सके। मेरे सतगुरां ने एक सवाल पैदा किया कि जो कुछ तुसी मैनूं पाण आए हो इहदा मकसद की है। पंडित हरदयाल जी ने कहा जी तुसी द्विज बन जाओगे, दूसरा जन्म हो जाएगा। हजूर ने अगली गल कही कि ये जो धागा मैनू वट के पा रहे हो यदा मतलब की, कहन लगे साड़ी ये नेम मर्यादा है। सतगुरां ने उत्थे जिहड़े शब्द कहे, पहला सवाल यह सी कि धर्म का संबंध जिथे शरीरक संयम नाल कहे, इस बेनती ने सुनो शरीरक संयम नाल जिन्हों आप मर्यादा कहने, उत्थे धर्म का संबंध तुर आत्मा ते परमात्मा नाल संबंध जोड़न लई है। जो तुसी जनेऊ मैनू पाण लगे हो कि यह मेरी जिंद विच भी मेरे जीओ दे नाल चलेगा कि सिर्फ इस चमड़ी तक ही सीमित रहेगा, यह पहला सवाल सी। ये जनेऊ जी का जिंद दा, जिंद नाल चलन वाली की चीज़ कह, यह भी थोड़ा जिहा असीं बाणी चों दर्शन करांगे। पंडित हरदयाल बहुत सियाणा सी, वह ज़्यादा बहस च नहीं सी पैंदा, उस बंदे कोल ज्योतिष की विद्या बड़े कमाल दी सी। उन्हें हजूर दे आगमन वेले दस दिता सी बाबा कालू साहब नू, मैं नहीं देखांगा पर हर ताकत तेरे पुत्र दे चरणा विच झुक जाए। उन्हें ज्यादा बहस नहीं की। उत्थे हजूर ने जिहड़ी जनेऊ की व्याख्या की, आप सब नू पता है, एक तो 4 गुण दसे। मैं आप नू बेनती करा, गुरमुख प्यारे बाणी पढ़ने वाले बैठे आ, गुरु नानक साहब की पवित्र बाणी विच 4 दैवी गुणा ते बहुत जोर दिता गया, उंज तो अनेकां कह। उस विच सब तो पहला जिहड़ा शब्द वरदा है जी मैं धर्मी खां, उहदे अंदर जे दया नहीं, करुणा नहीं, तरस नहीं, मेहर नहीं, उहदा अंदर पिघलदा नहीं, सतगुरु कहिंदे ने हकीकत ते वो बंदा धर्मी है ही नहीं, वह पत्थर दिल है। समझो भी उहदा जिहड़ा स्टोन हार्ट शब्द वरता, पत्थर का दिल है। आप जी देखो पहला दैवी गुण, चलो उत्थे गल चली जनेऊ दी,
उत्थे कपाह दा जिक्र आ गया, पर गुरु साहब ने चार गुण दसे, दया संतोख जत ते सत। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਰ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਤ ਤੇ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਰਹਿਦੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ, ਸੱਤ ਵੱਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਂਡੇ ਲਿਆ ਪਾਂਡੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੀ ਕਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਦਇਆ, ਤਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਜਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨ ਚੰਗੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਧਰਮੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਿਹਾ, ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਫਜੀ ਅਰਥ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਮਤ ਬਣਾ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਵੈਸ਼ ਦਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰਗ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਏਕ ਸ਼ਬਦੰਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਿਮਰਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰਗ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹਮਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਬਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਲਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ,
ते गुरु नानक साहब अथरू पुंजन वास्ते दया दे सोमे ऐमना बाद विच भी रब्बी कीर्तन पै कर दे। वो करुणा है, दया है, बेनती है जी। पहली गल दया, दूजी गुरु जी ने कहा संतोख। संतोख का लफ्जी अर्थ मजबूरी नहीं। कई बार बंदे नूं कुछ ना मिलता, वह अंदरों दुखी हुंदा है, पर रूहानी शब्द वरतने जी असीं ते संतोख च रहिंदे आ, इहदा मतलब भी हाथ नहीं अपड़िया ते थू कौड़ी वाली गल हो गई। संतोख का अर्थ है कि हर हालत विच अपनी जिंदगी च मुकम्मल तौर ते संतुष्ट हो जाना। मैं बाबा जी ने कहा पहली गल धर्म च दया संतोख, चार ही गल्लां कही उहनूं, दया कपास संतोख सूत जत गंढी। जत भावें इस शब्द असी यईए नाल उंज कहिंदे आ कि देवनागरी च असी कहीए, पर गुरु साहिब ने जजे ने लिखिया जत गंढी, उच्चा आचरण दीआं गंढां सत वट। ए जनेऊ जी का खई तां पांडे घत, किसी कमाल की व्याख्या की। दया संतोख जत ते सत चार दैवी गुण ने। ए जनेऊ जी का खई तां पांडे घत, ना ये टुटै ना मल लगै ना ये जलै ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चलै पाए। जिहड़ा आ धर्म तू कह रहे चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया, सिखां कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया, ओ मूवा ओ झड़ पया वे तगा गया, तग कपाहु वटिया कत। महाराज कहिंदे ने तब तग कपाहु कतिया ब्राह्मण वटै आए, कहो बकरा रिन खाया, कहो कहो के को बकरा रिन खाया, सब को आखे पाए। उधर महाराज कहिंदे जनेऊ वट के पा रहे है कपाह तो, दूजे पासे चौंके च बकरे दी देग पी चढ़दी है, ते बरादरी दे लोग खा के कहिंदे वाह जी पा लिया पा लिया पा लिया। महाराज कहिंदे इस तरह जीव दे स्वाद नाल धर्मी थोड़ा बन जाना। मैं बेनती करा जी, महाराज दा फिर शब्द सुनियो, चौकड़ चार कौडियां दा बाजार चो लैंदा धागा, चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया, सिखा इत्थे सिखा ने सिखा सिखिया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ झड़ पया वे तगा गया, तग कपाहु कतिया ब्राह्मण वटै आए, को बकरा रिन खाया सब को आखै पाए। होए पुराना सिटी है पी फिर पाइया होर, नानक तग न टुटी जे तग होवे जोर, जेडे तू मैले ते टुटन तो बाद सट ने, जे आ रूहानी धागे विच ताकत होवे उहनूं मौत भी कदी तोड़ नहीं सकदी। मैं फिर बेनती करा अगली गल, जिहड़ी चिन्ह की व्याख्या की उंज सच्चाई ए वे कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच इहनूं संकीर्तन नाल लिया, जे किसी भी धर्म के चिन्ह की वह व्याख्या नहीं की जो वह धर्म कर रहा है। भी पाणा महाराज ने अगे वेखो व्याख्या जो की, एक महाराज का श्लोक होर, तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवे नित दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेहवा तग ना अखी, वे तगा आपै वतै वट तागै अवरां कतै। गुरमुखो थोड़े जे दे अर्थ आपां कर लैणे, है धागा बाहर दा। महाराज कहिंदे ने तू अपनी वासना दियां इंद्रियां नूं धागा पाया जिन्हां दी वासना तृप्त नहीं हुंदी। भी मैं फिर बेनती करा, कई वारी असीं पचाका मार के निकल जाने, अर्थ लुकाने नहीं चाहिए। नारी दर्थ किया नाड़ी कीता है, पर सच ए वे कि जनेऊ पाण लग्या औरत नूं जनेऊ नहीं पाया जांदा, उहनूं नहीं जनेऊ। साडे धर्म च सतगुरां तों कुरबान जाइए, इत्थे जे सिंघ मर्द अमृत छकदा है ते इत्थे बीबी नूं अमृत दित्ता है, सिंघ नूं हजूर ने लफज दित्ता खालसा जी, मर्द नूं सिंघ ते बच्ची नूं शब्द दित्ता कौर कुंवर, छोटा बच्चा जिहनूं आपां शहजादा भी कहिंदे। मैं आप नूं बेनती करा, महाराज कहिंदे धागा इंद्रियां नूं पाए, धागा इस्त्री नूं पा सकना तू? दूजी गल, तेरी जीभ धागे नाल बज्जी है, जनेऊ पा के तू इन्ना झूठ कुबर तोलना, तेरे जनेऊ च ताकत हुंदी ते झूठ बोलना बंद कर दे। पर यह मेरी फिर बेनती, कल्ले ब्राह्मण दे अर्थ नहीं करने, गुरु अगे अरदास करिए दाता जो सानू तुसी पंज ककार दिते ने, मैं इन्हां नूं कदी चिन्ह दे रूप च नहीं ना मानदा। नहीं गुरमुखो, ये केवल पंज चिन्ह नहीं, इन्हां पंजां दे विच गुरु गोबिंद सिंह दा तेज वरतदा है। ये इस तरह नहीं केवल,
तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवे ने दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग हथां नू पैरां नू पाया तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्ते आप ते तू धागा पाया नहीं मैं तगा आपे पत्ते महाराज कहिंदे ने फिर दूजिया नू तू धागे पा वट के पा रहा है। इहदे विच इक होर बचन कहा लै पहाड़ करे व्याह पहाड़ शब्द शायद आप नू पता होना पहला कहिंदे सन बस च पहाड़ा किन्ना लगता है जिन्हों आप किराया कहिंदे इह ओह शब्द है लै पहाड़ करे व्याह पहाड़ेदार किराया कहिंदे तू अपने आप नू कहिंदा जनेऊधारी पर जो तू व्याह कराने वह तो फेरिया दे विच नाल ही तू किराया ले जाने तू कदा धर्मी है। पर याद रखियो ये सानू भी दुखना चाहिए। मैं एक दिन बेनती की इस स्वाद लैके असं व्याह क्या कर देने तो जो मान लो सिख कोई कहे मैं लावां तां कराणियां ने इन्ने रुपये अकाउंट च पा दिओ तो बाबा सानू भी कहेगा भी तुसीं भी तां किराया लैके करदे पए हो ना लै पहाड़ करे व्याह कद कागल दसै राह सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नौ सुजान। में फिर बेनती करा धर्मी बंदे जेडे सच धर्म कमांदे ने गुरमुखो ओ अपने धर्म विच हो रहे पखंड दा जोरदार खंडन भी करदे आप मानदे भी ने। जिवें चलो इत्थे महाराज जी ने कहा ये बाबा फरीद साहब इस्लाम दी गल करदे आप सब नू पता है मैं ज्यादा डिटेल च नहीं उन्हां दा असली नाम तां सी शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर बाबा फरीद साहब दा मुकम्मल नाम एक है पर गुरु ग्रंथ उंज जे फारसी च पढ़ो फिर शेख है शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर पर गुरु ग्रंथ साहब च लफ्ज सिर्फ आया है बाणी शेख फरीद जी की शेख फरीद आया सिर्फ। हुण तुसीं देखो वह पंज वक्त दे नमाजी ने ना ते आप कहिंदे ने फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतारे दा मतलब अपनी शरा दे बड़े पाबंद ने गंजे शक्कर ने मिठा शक्कर वर्गा बोल दिया पर जदों कि इस्लाम विचों धर्म की अदूली करता उन्होंने कहने सिर ला के परा मारो जरा नमाज नहीं पढ़ता। याद रखियो मुसले से बैठ के नमाज पढ़ देना तो सूफी दरवेश चोला का पाते सन उस सूफ तो सूफी शब्द बने तो उत्थे बाबा जी ने कहा कन्न मुसला कंधे दे उत्ते मुसला रखिया नमाज पढ़ने जिते सूफ गल गल दे विच सूफिया वाला चोगा भी पाया कन्न मुसला सूफ गल दिल काती गुड़वात बार दिस है चानना दिल अंधियारी रात बार चानन है अंदर हनेर है उन्हें ये नहीं देखा ये इस्लाम नू मनन वाला है ये मोढ़े ते मसला है ये मतलब पांच वक्त दा नमाजी है अंदरों अज्ञानी है उन्हें गुरु नानक साहब कहते हैं मन अंधा नाओ सुजान। मैं फिर बेनती करांगा बड़े सरल शब्दों च हजूर ने एक थां ते नहीं इथों तक बेअंत शब्द ने जनेऊ की व्याख्या कर दिया खिंदू कह कर खिंदू आवे सूत जनेऊ पढ़ गल पावे सूत पाए करे बुरियाई नाता तोता थाए ना पाई। मेरी सिर्फ एक बेनती है इस खुल नू देखियो उस तो बाद चार गुण कह दया संतोख जत ते सत। हुण सुल्तानपुर घटना वापरदी है जदों महाराज जी मसीत विच जांदे आ तो मैं कहना कहना बहुत सौखा है उन्होंने सामने गल करनी सच एवे कि भाई साहब ने जेडे शब्द वरतने सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोवा विश्राम इस तरह है जी। गुरु नानक साहब सिंह की तरह दहाड़ते ने गरजते ने जिमें शेर गरजे तो खरना दियां डारां भजदियां ने जो गुरु नानक साहब की रूहानी गरज हुंदी है उस गरज के सामने पखंडियां दियां डारां टेक ही नहीं सकती दंभी पखंडी नहीं टेक सकते। मेरी थोड़ी जी एक बेनती सुनियो जदों बंदा कितने गल कर जांदा कई बार कहिंदा मेरे नाल चार बंदे होण चलो आपां उहदे नाल गल करनी है जदों बाबा मसीत च गया कल्ली सन मरदाना भी नाल लई सी जन्म साखी कहिंदी है सिर ते जूड़ा तेड़ कुपीन सी महाराज सिद्धे शमशान चो उठ के गए शब्द सिर्फ इन्ने कहा सी ना को हिंदू ना मुसलमान सानू सब नू पता है मसीत विच गए दौलत खां नाल सी
पर याद रखियो दौलत खां ने उस दिन झुक के जिहड़ा रब्बी ज्ञान लिया उन्हूं भाई साहब ने सिखां दी गिनती भी शुमार किया। दौलत खां नूं सिखां दी लिस्ट विच गए ते नवाब साहब दा नाम पूरा दिंदिआं इस तरह कहा दौलत खां लोधी भला होवा जिंद पीर अबनाशी। दौलत खां नूं हजूर ने उदन रूहानियत की बख्शिश कर दिती पर काजी का जिक्र नहीं आया। इहदा मतलब कि काजी का अंदर शरा च बजा से छेती झुकन नूं तैयार नहीं सी। महाराज मसीत विच जांदे आ जिहड़ी व्याख्या उत्थे करदे आ मसीत विच सुणो गुरुमुखो उत्थे जिहड़ी व्याख्या कीती उह जनेऊ नाल टुका के देखियो ते दया कपा संतोख सूत। इत्थे महाराज कहिंदे मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान सरम सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान। आ शब्द मेहर जिन्हों कर दया क्या उत्थे मेहर क्या हो भले लोको जे तुसी मुसलमान हो ते तुहाडे विच दया होनी बहुत जरूरी है। तुहाडा अंदर करुणा विच होवे तरस विच होवे। थोड़ी बेनती ध्यान नाल मेरी सुनियो मैं जिक्र साके दा करांगा। उत्थे मेहर मसीत उत्थे क्या संतोख सूते ते क्या सिदक मुसल्ला सिदक ते संतोख दे अर्थ आपां कर करांगे। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक इहदा अर्थ हो गया सच हक हलाल कुरान सरम सुन्नत जिन्हों जत क्या बाबा जी ने शब्दावली वरती पर गुण ओही ने तू सुन्नत करना है ते चंगा होवे वाशना तू शर्म करें लज्जा करें ते ए तेरी सुन्नत बन जाए। शब्द वखरे ने पर गुण इको ही है। ये सी गल जोगी नूं कई मुंदा संतोख शरम पत झोली ध्यान की करें विभूत उत्थे दया का जिक्र भी किया दूजी पौड़ी च कि भुगत गयान दया भंडारन घट घट वाजै नाथ। मेरे कहने तो मुराद चार दैवी गुण बाबा जी कहिंदे जिहदे अंदर ने सच्ची मुची ओ ही धर्मी है। अगली गल गुरु साहब जी ने बाणी च जिथे भी गिरावट देखी है ओदी गल डंके दी चोट नाल कही है। मैं एक उदाहरण होर आप जी नूं दे देना आशा की वार विचों है। लभ पाप दोए राजा महता कूड़ होवा सिकदार काम नेम सद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रेत ज्ञान मिहूनी पाए भरे भंडार ज्ञानी नचै वाजे वावै रूप करे सिंगार उच्चा कूकै वादा गावै जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावै मंगै मोख द्वार जति सदावै जुगत न जाने छड बह घर बार सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापे। थोड़े जे दे अर्थ आपां करांगे। मैं नहीं कि नैगेटिव अप्रोच लैके कुछ बोल रहा हूँ। देखो इत्थे शब्द वरते लभ पाप दो राजा महता कूड़ होवा सिकदार जिथे ये बिरतियां ने उत्थे धर्म हो सकता है जी। महाराज कहते लभ पाप दो राजा महता एक राजा है दूजा सलाहकार है महता तो यह भी पदवी एक महते की जिथे लालच होगा उत्थे पाप हर हालत में होगा क्योंकि इन्हों दोनों ने एक दूजे के पूरक क्या है जिथे लालच है उत्थे पाप तो बिना उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। लभ पाप दो राजा महता एक राजा एक अगे महता लभ पाप दो राजा महता कूड़ होवा सिकदार जिहड़ा झूठ है वह सरदार बनिया बैठा काम नेब काम नायब है नायक बन जा नायब बनता सलाहकार बनता काम नेब सद पुछिए बह बह करें विचार अंधी रईयत सची मुची जिहड़ी रईयत है परजा अन्नी कह इंद्रे साडे अंधी रईयत ज्ञान भी होनी पाए भरें मुरदार पाए भरें मुरदार। हुण अगली गल सुनियो उस वक्त ज्ञानियां दा ढाडियां दा पंडितां दा दानियां दा सब दा जिक्र कीता असी उच मैं एक बारी कहा सा कि वार सुनते सारे अमृत वेले दरबार साहब हुंदी है पर थोड़ा जा दुख लगता जो हुण पाठ हुंदा ना असा कि वार दा ए नहीं भी असी बिल्कुल शुद्ध पाठ करने सच्ची जे गुरमुखो कई बारी किन्ने कई तुकां विच कई सज्जन अखर ही छड जांदे। एक दिन इस पाठ सी गऊ ब्राह्मण को कर लावो ना वह कट्ठे कर रहा से गऊ ब्राह्मण कर लावो ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
कदी भी दावा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं दावा करता, मैं सब कुछ आता है। सच एवे गुरु ग्रंथ साहब के जिन्ने अंग ने ना, इन्हें जन्म भी को लै लै तो गुरु ग्रंथ साहब की मुकम्मल व्याख्या नहीं कर सकता। अखरी अर्थ जिन्ने मर्जी को करी जाए। हुण इत्थे महाराज जी ने पूछा भी इन्ने ज्ञानी इन्ने ढाडी हुण अगे सतगुरु कहिंदे ने अंधी रहित ज्ञान भी होनी भाए भरे मुरदार ज्ञानी नचे, जेडे ज्ञानवान ने वह नच रहे ने, वाजे वावें वाजे वजदे ने साज वजदे ने, लोकी ज्ञानी समझदे ने डांस करदे। ते याद रखो इस भारत की धरती का दुखांत है, मैं किसी तर्क नहीं करता, एक बाप बेटा दोनों सन, दोनों जेल च ने अजकल। कमाल की गल दोवें जो नाल साज वजदा है तो डांस करते होंगे सन, उत्ते बन के ना पूरे मोर के पंख ला के और नाच करना कि बाबा जी जेडे ने वो अपनी मौज में ये डांस कर रहे हैं, ये जी नृत्य कर रहे हैं, नृत्य भगती है। सच एवे गुरु ने मुत्ता पहला कहा जिन्हों लोग ज्ञानी कहिंदे आ इस स्टेजा के उत्ते नाच करनगे, ज्ञानी नचे वाजे वावे साज वजदे ने, रूप करें श्रृंगार एहो जिहा रूप बनांदे आ, एहो जिहा सांग उतारदे आ, लोग उन्हां नूं अवतार कह के पूजन लग पैंदे आ। मैं आप नूं एक होर बेनती करां गुरमुखो, क्योंकि इथों का सिस्टम है ऐसा जिदे पिछे ज्यादे सिर ने, सिर मैं कह रहा वो सब तो वड्डा बाबा है। याद रखियो गुरमत विच इस नूं रत्ती जिन्नी थां नहीं दित्ती। मैं उस दिन सीसगंज भी कहा वो गुरमुखो पूरे का पूरा चांदनी चौंक तमाशबीना नाल भरिया सी, कोई हमदर्द नहीं सी। जिस दिन सिखां नूं ते गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद किया, सिर्फ एक जरांद रखण वाले भाई साहब भाई जैता जी सन जिहड़े सब कुछ अखां नाल वेख रहे सन पर अथरू अखां विचों बाहर नहीं आउण दिंदा। सिर्फ यही ने भाई जैता जी, भाई उदा जी ते भाई ननुआ जी। मैं बेनती करा किन्ना अंदर टिकिया उस महापुरख का, सब कुछ अखां नाल देखिया। जे देखिया गए ते तां जाके गुरु गोबिंद सिंह जी नूं क्या महाराज ये कुछ वरत्या। मैं फिर बेनती करांगा सिरां दी गिनती नाल राजनीति खेडी जा सकदी है, सिरां दी गिनती नाल रब दा घर नहीं मिलदा हुंदा। जे कहीए भी इन्ने बंदे पिछे ये रब दे घर च, मैं फिर बेनती करा माया वी संसार विच इहदी कीमत है, दुनियावी दुनिया विच इहदी कीमत है, पर रब दे घर च नहीं। जे जो बेचारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा भी जानिया नाल चले, सब कोए चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवी ता वात ना पुछे के। मेरी थोड़ी बेनती सुनियो, ज्ञानी नचे इस उस वक्त दे ज्ञानवाना दी गल कर रहे हैं, वाजे वावे रूप करे सिंगारो, वक वक रूप बना के आंदे, कदी राधे श्याम बन के आ जाते हैं, कदी जय सिया राम बन के आ जाते हैं, कदी पार्वती। वेखो एडी वड्डी गल कह देनी, किन्ने ज्ञानी नहीं एक्टर ने, एक कलाकार ने, इस स्टेज के पिछो तैयार होकर अवतार बन गए ने। बाबा जी कहते वेखो लोगो काल पै गया, ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार, अगे ऊंचा कूकै वादा गावे। कई सज्जना ने वादा का अर्थ किया वाद विवाद, एक गुरमुख ने अर्थ ये भी कितने वारा गाँवे आ, ये जिक्र ढाडियां का कर रहे महाराज, उच्चा कूकते आ। तो सची मुची वाहगुरु ढाडी कला की बड़ी बड़ी थांक है, एक कविता तो एक ढाडी सिख धर्म की भी रस की समझो भी रीढ़ की हड्डी ने। गुरु अर्जुन देव शहीद होंदे आ ते ढाडी स्टेज पर आते आ, गुरु तेग बहादुर शहीद होंदे आ ते 52 कवि स्टेज के उत्ते आते, इन्हां दी बड़ी वड्डी थांक है। पर मैनू बख्श दिया जे ढाडी शब्द ते ढाडी कला बड़ी पवित्र है। अज सची मुची वो कला जिहड़ी सतगुरां ने दित्ती, वो ऐसता ऐसता इथों दे साजां दे प्रभाव नूं कबूल दिया, वह ढाडी कला की थां ते सिर्फ पंजाबी कलाकारी बन के रह गई है। एक कौड़ा सच है, तुसी सीतल साहब नूं सुनिया होना, भाई दया सिंह दिलबर जी ने सुनिया, ज्ञानी जी ने, मूला सिंह जी पाखरपुरी शायद सुनिया होवे। ज्ञानी मूला सिंह पाखरपुरी जो बोलते सन समझो कथा कर रहे सन, खलो के इन्ने टिके हुए सन, इन्नी उन्होंने शुद्ध उचारण सी बाणी का। ते ढाडियां विच सिर्फ तीन बंदे खुंदे सन, एक सरंगी वजांदा सी,
दो ढड वजांदे सन। जथेदार साहब के कपड़े आम होना ते खत उहदे विच कृपाण हुंदी सी। चौथा साज उहनां नाल तीजा साज कोई वजदा ही नहीं सी, सिर्फ दो ढड्डां एक सरंगी, बाकी नहीं सी कोई वजदा। पर हुण समें दे लिहाज नाल सब कुछ बदल गया है। नहीं गुरमुखो, मैं फिर बेनती करांगा कि जिन्हें ढाडी कला करनी है, हुण तां असीं देखने आ पैलस विच वी ढड्डां वजदियां अजकल, सच है ना जी। मैं ईरखा च नहीं कह रहा, भाई मरदाने नू जिस दिन रबाब दित्ती सी फरंदा जी ने, भाई मरदाना साहब नू भाई फरंदे ने कहा भी एदी कोई कीमत नहीं। गुरु नानक प्रकाश विच लिखा एदी सिर्फ इन्नी कीमत है जिहड़ी रबाब गुरु नानक अगे वजाणी किसे होर दे बूहे ते ना वजाई, सिर्फ गुरु नानक साहब दे, सिर्फ गुरु नानक साहब दे घर च। उत्थे गुरु जी कहिंदे उच्चा कूकै वादा गावै वारां गा रहे ने, जोधां का विचार ज्ञानी आ गया ढाडी आ गए। अगे कहिंदे मूर्ख पंडित, वैसे पंडित पंडित का लफ्जी अर्थ आ विद्वान हुंदा, ब्राह्मण वर्ण है, पंडित का अर्थ है विद्वान। कहिंदे विद्वान मूर्ख हो गया, मूर्ख नूं विद्वान, मूर्ख पंडित हिकमत खुजत खुजता करदा है, अपनियां चालबाजियां खेडदा है। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार, सिर्फ पैसे कट्ठे करदा पे विद्वान बन के। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार, धर्मी धर्म करें गवावे, धर्म दे कर्म करदा पर वो भी गवाई जा रहा, मंगे है मोख द्वार, वो मुक्ति का दरवाजा मंगदा। महाराज कहते धर्मी धर्म करें गवावे, मंगे मोख द्वार, जति सदावें जुगत ना जाने। ये कह दिता कि मैं जति खां, मैं इंद्री जेता, मैं बिहंगा मां, मैनू बख्श दिओ। पर महाराज कहिंदे अंदर फुरने दा जत कायम नहीं रख सकिया, शरीर नूं हट करके रोक लिया। सच एवे अंदर जत दी कहानी कोई नहीं, चित लाया पर नारी वाली। उत्थे सतगुरु ने चित शब्द वरते, जति सदा मैं जुगत ना जाने, छड बहें घर बार। ते महाराज कहिंदे किसे नूं हथ ला के देखो, सब को पूरा आपै होवै। एक दूजे नूं कही जांदे ने ए ब्रह्म ज्ञानी, दूजा कही जांदा मेरे तो वड्डा ब्रह्म ज्ञानी। सच्ची इस तरह सब को पूरा आपे होवे, घट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पाईए तां नानक तोलिया जापे। मैं थोड़ा जा टाइम तां इस करके लिया कि गुरु साहब ने अख मीच के कुछ भी परवान नहीं किया, सुचेतता नाल। गुरु नानक साहब जी जोत च करुणा है, दया है, संतोख है। असी गुरु तेग बहादुर साहब नूं तुसी हर साल याद करदे। मैं थोड़ी जी बेनती आप नूं करके जानी है। सरदार कपूर सिंह उन्हें कहिंदे हुंदे सन, वह बोले भी जलंधर रेडियो ते, उस नूं बाद च लिखिया गया। वह कहिंदे ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत पहला शब्द वरत्या सी धर्म की आजादी लई है। फिर बेनती सुनियो, जदों आपां दोहरा पढ़ांगे उस विच ए बिल्कुल लिखा हिंदू धर्म की खातर। उत्थे धर्म हेत साका जिन किया है, तिलक जन्यू नू लोड़ है उस वेले धर्म की आजादी लई, ते गुरमुखो धर्म की रखिया लई। ते तीसरी गल कहिंदे सन कि गुरु तेग बहादुर की शहादत आत्म पुरख की गौरवता लई है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर दे जीवन की रक्षा की। इन्हां तिन्हां शब्दां नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुणियो। पहला शब्द मैं वरत्या धर्म की आजादी। सच एवे गुरमत की एडी वड्डी ए बख्शिश कहे, गुरमत कहिंदी ए हर धर्म जिहड़ा है वह सत्कार योग है, पर शर्त वह अपने धर्म नूं अंदरूनी तौर पर कमांदा होवे, वो कमाए। महाराज ने यह थोड़ा कहा मुसलमान सारे मर जा, क्षमा करो, ये नहीं कहे हिंदू। हाँ, उन्हां नूं जिहड़ी व्याख्या दित्ती गुरमत ने, मैं तो कहना मुसलमान शब्द है, उहदी व्याख्या एक तुक विच भी की, मुसलमान मोम दिल होवे। मुसलमान वह हुंदा जिहड़ा मोम बत्ती की तरह पिघल के लोगों नूं रोशनी दिंदा है। यह तो नहीं कहा मुसलमान होने नहीं चाहिए। काजी की गल की, काजी सो जो उल्टी करे। असल च काजी होवे जिहड़ा वाशनावां तो उल्ट अपना जीवन जींदा है, जिहड़ी काम क्रोध लोभ अहंकार ने इस तो उल्ट जींदा है। जे पंडित की गल की, नवी परिभाषा दिती, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में सोध है।
जे ब्राह्मण की गल की नवी डेफिनेशन दी कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। मैं आप नूं बेनती करांगा सब तो पहला धर्म की आजादी लई इत्थे गल ध्यान नाल मेरी नोट करियो कि गुरु साहब सानू सब नूं पता है जनेऊ फिजिकल तौर पर नहीं पाया महाराज जी ने, भावें कि जन्म साखियां कईआं विच लिख भी दिता भी जनेऊ पाया होया सी इस तरह किया नहीं। गुरु साहब ने जनेऊ का चिन्ह नहीं धारण किया, तिलक नहीं धारण किया, अपना अकीदा जिहड़ा उह शब्द दा है। पर जलो तिलक ते जंजू नूं किसे दे धर्म की आजादी नूं दूजा खड़पना चाहे, विचार करो संवाद रचाओ, तुसीं अपने विचार नूं डंके की चोट नाल प्रचारो, पर यह चाहो भी दूजा बंदा खत्म हो जाए गुरु घर च स्वीकार नहीं किया गया। इस नूं थोड़ा जिहा मेरी गल नूं ध्यान नाल सुणियो, फिर अज भी वर्तारा है इस भारत विच एक हिंदू कथावाचक बहुत सोहनी कथा करते ने, उन्हें सिर्फ यही स्टेज पर कह दिता अली मौला इन्नी शब्द क्या उस बजुर्ग नूं चपेड़ा मारिया गई, शायद आप नूं पता होना। उन्हें इस करके चपेड़ मारी गई कि तू साडे धर्म दे विच शब्दां राही इस्लामीकरण पैदा कर रहा है। अली मौला कह के तुसी शब्दावली साडे च कसोट रहे हो इस्लाम दी, पर याद रखियो गुरमत ने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की। थोड़ी जिस गल नूं फिर ध्यान नाल सुनियो, हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब विच एक शब्द है जिदे विच जोर अजमाइश नाल जां धक्के नाल रब की बंदगी करने वाले नूं कहा जा रहा है तू राम नहीं बोलना तू खुदा बोलना है। वेखियो वह शब्द भगत नामदेव जी का, रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए, तू राम नाम छड़ के खुदा क्यों नहीं बोलता। नामदेव कहिंदे ना ना हूं तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड परे तो हर गुण गाए, तू मां नहीं तेरा मैं पुत नहीं, मैं मर जाऊंगा पर बोलांगा राम ही। पर इत्थे मन च उठदा कि भगत नामदेव भी कट्टड़ है इस मसले च, वह अपनी शब्दावली नहीं चेंज करन तैयार नहीं। यार गुरमुखो ऐसी गल नहीं, असल च बंदगी करन वाला जे बादशाह दे कहन ते अपने मूँह विचो रब दा नाम बदल जाए तो उहदी बंदगी की है। इस नुकते नूं सुणियो, उहनां नूं धक्के नाल जोर नाल कहा जा रहा है भी तू राम छड खुदा बोल, पर अपनी मौज भी जो भगत आउंदा सारे नाम वरदा करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, धक्के नाल नहीं बदलिया जा सकता। इस नुकते नूं थोड़ा देखियो, धर्म की आजादी मैं कहना जे रब दे नाम की खुल किसे धर्म ने दिती है तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब ने दिती है, पर रब दा नाम देव रूप च नहीं एक ओंकार की व्याख्या च, तू बोल राम तू बोल गोविंद तू बोल बीठुल तू बोल गोवर्धन तू बोल मुरारी तू बोल दयाल तू बोल करीम रहीम अकबर, जो मर्जी शब्द वर्त वो जबान जिहड़ी मर्जी वर्त लै पर गल एक ओंकार की करी। कई बार साडे सज्जन कहिंदे ना दरबार साहब दे चार दरवाजे ने, चार ही ने ना जी, तो याद रखियो दरवाजे चार ने राह चार कोई नहीं, राह एक ही है। ये व्याख्या गलत ना करिए भी चार दरवाजे ने, अंदर दे तार दरवाजे ने पर उन्हां चार दरवाजिआं च आओ जिहड़े मर्जी, पर चेते रखियो अपनी अपनी डबली नहीं बजानी, गल एक ओंकार दी होनी रस्ता एक ही है। दरवाजे चार ने राह तो अंदर एक ही जाता पै ना। हुण इत्थे जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दा जदों बजुर्ग दी मैं सुनिया ना अली मौला, मेरे मन च तां मैं कहा जे तू इन्नी खुल के रब की गल करनी फिर गुरबाणी वाले पासे आ जा, इहदे विच कोई संकीर्णता नहीं वरती गई। इत्थे कहा गया कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवें गुसाइयां कोई अलाहे। इत्थों तक जदों महाराज जफरनामा लिखदे आ ना जी, इस मालवे की धरती ते लिखिया, गुरु साहब ने एक लफ्ज बड़ा वरत्या अरबी दा यजदा, इहदा लफ्जी अर्थ है रब। सतगुरु ने जिहड़ा पहला शेर वरत्या है, देखो वह शेर है कमाले करामात खाइम करीम,
मैं सीधे पंजाबी शब्द वरती है ते ये पहली सतर जड़ी है फारसी दी नहीं जफरनामे दी पहले शेर दी पहली जड़ी तोक है वो सारी अरबी दी है कमाल शब्द अरबी दा करामात शब्द अरबी दा कायम ते करीम जिन्होंने पर्शियन पढ़ी है उन्होंने पता होना है जा उर्दू वाले भी एक काफ हुंदा है डंडे वाला उच्चा हुंदा जिन्हें पढ़िया है पर्शियन एक काफ हुंदा है दो नुकतियां वाला दो बिंदियां वाला इहनू सिद्धी व्याख्या जदों असीं उर्दू शुरू पढ़दे सां ते उदो उस्ताद जी कहिंदे सन कि एक काफ कैंची वाला करोड़ के बिंदी ला के एक काफ कुत्ते वाला जो कुत्ता लिखा जाएगा तो काफ की शकल वखरी है तो जो कैंची लिखांगे तो काफ की शकल वखरी है फिर बेनती है सतगुरु ने केड़े शब्द वरते कमाल ए करामात कायम करीम करीम लफज अरबी का है रजा बख्श राजिक रिहा कुन रहीम यह सारे लफज सतगुरु ने अरबी ते फारसी के दूजे दूजी सतर च कहे मैं सिर्फ एक बेनती कर लगा गुरु घर च इस संकीर्णता बिल्कुल स्वीकार नहीं किया महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने धर्म की आजादी ले कि इत्थे अनेकता है मेरी फिर बेनती सुनियो कि जेड़ा भी उदन मंजी साहब मैं कहा कि इस धरती ते धर्म की अनेकता अपने धर्म की एकता च तब्दील करना चाहेगा भावें जनेऊ वाला होवे भावें सिख होवे ते भावें मुसलमान होवे रब नूं बिल्कुल स्वीकार नहीं शेरे पंजाब दा राज है पर धर्म की अनेकता है आप सब नूं पता है हजूर ने पहली गल धर्म की आजादी लई धर्म दे हक हर बंदे नूं ते अज असीं ह्यूमन राइट्स की गल करने आ सिख साडे बहुत बाहर तक गल की जा रही है मैं कहना जे ह्यूमन राइट्स का मनुखी हकों का फिजिकल तौर पर पहला शहीद है तो गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हें कहा मनुख नूं हक नहीं धर्म की आजादी लई दूजा मैं शब्द वरत्या जी धर्म की रख्या लई ये लफ़ज़ सरदार कपूर सिंह जी उन्हां दे ने क्योंकि जिस बंदे ने मेहनत करके गल की होवे उहनूं लुकाना भी एक पाप हुंदा है उन्हें कहा धर्म की रख्या लई इहदा मतलब धर्म की आजादी है तू अपने चिन्ह धारण कर धर्म की रख्या कि औरंगजेब एक वड्डे तो सब नूं फड़काई जा रहा है कोई नहीं अड़ रहा ते गुरु जी ने अपनी शहादत दे के सिद्ध कर दिता वो बंदिया धर्म की गल करन वाला जो धर्म ही अड़ जाए तो तख्त हिला के रख दिंदा ते धर्म शब्द की भी रख्या हो कि धर्म है केवल कहण मात्र नहीं खाण का वसीला नहीं है धर्म की आजादी धर्म की रख्या तीसरा शब्द मैं वरत्या जी उन्होंने आत्म पुरख की गौरवता इनू मैं थोड़े लफ्जा च कहा ब्रह्म ज्ञान की उस अवस्था लई हुण तीन ही गल्लां सन ते अज भी जिहड़े कट्टर काजी ने जां मुलाणे ने वह तीन ही गल्लां कहिंदे ने दूजे धर्म वाले नूं अजमत दिखा अजमत नहीं तो इस्लाम कबूल कर जे इस्लाम कबूल नहीं करना तो मौत वास्ते तैयार रहो तीन ही गल्लां सन गुरु साहब जी के सामने तीन नुकते आए पहला यह सी कि मौजजा करामात दिखाओ अजमत दिखाओ तो उस दिन मैं सीसगंज कहा वह अजमत देखनी चाहता है गुरु तेग बहादुर साहब ने कोई अजमत नहीं दिखाई पर उत्थे करामात वरती ये लफ्ज मेरे ध्यान नाल सुन हजूर ने जे मान लो एक बंदा धक्का करके जेड़ा बंदा जुल्म करता है वह मौत के भय नाल यह शब्द कह जी जो मैं कहना उस तरह करके दिखा तो फिर वो बंदगी कह दी तो दुनियादारा वर्गी होया ना उन्हें डर के अपने अंदर दे भेद खोल दिते राज खोल दिते उत्थे करामात दिखाई नहीं पर रब वालों करामात वापरी किवें वापरी मैं क्या चांदनी चौंक च करामात वापरी वह करामात सी एक दे सीस ते आरा रख के दो फाड़ किया सन्मान योग भाई मती दास जी भाई दयाला जी बजुर्ग ने उन्होंने देख विच उबालिया भाई सती दास नूं रूह विच लपेट के गुरमुख नूं फूक दिता उत्थे एक अचरज खेड वापरी शहीद होने वाला कह रहा सी धन गुरु तेग बहादुर सिख कह रहा धन गुरु ते गुरु सिख नूं शहीद हुंदिया वेख के कहिंदा धन सिखी दोनों शब्द उत्थे कमाल देखो गुरु जी कह रहे ने धन सिखी तीन वारी क्या धन सिखी
ते सिक्खी कमाण वाला कह रहा धन गुरु जी ने मेरी पत रख ली एदू वड्डी करामात दुनिया च की है अग दे भांबड़ नाल मचदा होवे ते हाए ना करे यह रूहानी करामात है आरे नाल चीरिया जाए ते सी ना करे ते बजुर्ग भाई दयाला जी देग विच उबाले खान ते गुरमुखो उबलदा होया हाए सी ना करे मैं कहना करामात वापरी इत्थे धर्म ने दस्या ओ प्यारियो बार दे नाटक चेटका तो शर्म आउंदी आ वेखो करामात चिनी चिनी हो गए पर धर्म नहीं खा रहा। मैं आप नूं बेनती करांगा जी उत्थे आत्म पुरख की गौरवता गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज उन्होंने शहादत का जाम पीता पर उंज भारत नूं चाहीदा सी। मैं ईरखा च नहीं कह रहा इस दिन पूरे हिंदुस्तान च छुट्टी चाहीदी है हर बंदा गुरु तेग बहादुर का शुक्र करे जिदे करके अज कायम बैठे आ जिहड़े मानदे आ गुरमुखो ये नहीं भी मानदे कोई नहीं असीं सीसगंज साहिब जाने आ इन्ने बंदे आउंदे आ उत्थे मैं एक वारी सुनाया सी इत्थे शायद राम नारायण सिंह जी दर्दी साडे बजुर्ग सन कवि चढ़ाई कर गए कहिंदे सन कि महाराज जी ने कहा कहिया पातशाह बचियो घरी जाओ सिर दे के सत बचांगा मैं कहिया पातशाह बचियो घरी जाओ सिर दे के सत बचांगा मैं हिंदू धर्म दे बुझरे दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पाँगा मैं पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है हिंदू मंदरां दे दीवियां विच हुण वी लहू तेग बहादुर दा बल रहा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब उन्हां दी शहादत हुंदी है कोतवाली च महाराज जी नूं रख्या गया 10 नवंबर 1675 नूं तीन सिख शहीद होए 11 नवंबर तकरीबन दिन दे अज कल दे टाइम मुताबक 11:30 बजे बोर्ड दा पुराना रुख सी उहदे थले चबूतरा बना दिता सी थड़ा बना दिता सी महाराज जी नूं कढ़िया गया बार पिंजरे तो सन्मानयोग भाई जैता जी मैं फिर शब्द वरता एक वारी बाबा जी मैं पिछे जे कविता लिखी तुहानूं को आई होनी भाई जैता ओ एक सिंह वह बेचारा बड़ा होर तरह बोलिया कहिंदा तुसीं भाई जीवन ना सिंह जी ना कह के नरादरी की हाँ जी मैं हाथ जोड़े मैं भरावा उदन भाई जैता जी सन जिदन सीस चौके लियाए आ भाई जीवन सिंह उदन बने जिदन सतगुरां ने पंज चुले अमृत दे बख्श दिते आ। मेरी फिर बेनती है इस नुकते नूं आपां समझिया करिए जी भाई साहब जी उत्थे ने बड़ी वड्डी कुरबानी उस मरजीवड़े की उंज मैं सच्ची कहांगा रंगरेटियां दी हिस्टरी पढ़ो मजबी कहिंदे सिंह ना चेते रखियो मजबी मर जांदा पर कदी मजब तो पिछा नहीं हटदा हुंदा मर जांदा हिस्टरी विच तुसीं देखोगे रंगरेटियां दीआं करामातां मैं शब्द चलो बटरिंगली नहीं कह रहा कहना बहुत सौखा है इन्ना जुल्म हुंदा होवे ते कोई उस भीड़ च खलोता होवे भी आ सीस मैं गुरु दा रुल नहीं देना मैं अपना सिर तली ते रख के गुरुदेव दा सीस चुकना हालांकि बाबा जी नूं पता कई गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां दुबधा विच ने भाई जैता जी दे पिता जी दा सीस वढ के रखण दा जिक्र भी आउंदा है जी आउंदा है ना जी। हुण कई वारी मैं फिर बेनती करांगा असीं किसे उत्ते गल ठोस नहीं सकदे पर बड़ी वड्डी कुरबानी है इह वी महाराज सच्चे पातशाह बाहर निकले सतगुरु नूं पुछया गया जी कोई अंतम इच्छा पर महाराज जी ने कहा भी एक तासा इशनान करना जेड़ी खुई थले कह अपनी सीस गांजी आप जी जांदे हो ते मैं हर वारी कहना जदों भी आप जी सीस गांज जदों भी जाओगे ना हाथ जोड़ के बेनती है उत्थे एक जपजी साहिब दा पाठ बोल के जरूर करके आए जे पाठ आउंदा जे नहीं आउंदा थोड़ा समा बैठ के बंदगी जरूर करियो क्योंकि उत्थे गुरदेव जी ने जदों जपजी साहिब पढ़िया सच्ची एवे पूरा ब्रह्मंड गूंजिया गुरु तेग बहादुर साहिब दे नाल जदों असीं मन नूं टिका के जपजी साहिब पढ़ांगे मैं सच्ची हंकार च नहीं कहिंदा इक्को दम सुरत टिक जांदी है जदों दृश सामने लिआउंदे हो कि मेरा सतगुरु बाणी तो जपजी मुख तो जपजी पढ़ रहे ने। महाराज जी ने इशनान किया इशनान करन तो बाद उस थड़े ते बिठाया गया बोर्ड दे रुख थले
हजूर सच्चे पातशाह जी नूं फिर वो तिने गल्लां काजी अब्दुल वाहब दरोगा अब्दुल्ला ते जलाद जलालुद्दीन असल च समाणे दा जगीरदार सीगे, आम बंदा नहीं सी जलालुद्दीन। ते मैं गया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने क्यों समाणा तबाह कीता, इत्थे गुरु तेग बहादुर ते उन्हां दे पोतियां नूं शहीद करन वाले जलाद रहिंदे सन। जलालुद्दीन समाणे दा सी ते शासल बेग ते वासल बेग ये भी दोनों जलाद समाणे दे सन। महाराज जी नूं तिन्नी गल्लां फिर करामात मौत अजमत जां क्या भी तुसी इस्लाम कबूल करो, महाराज जी ने कहा नहीं। दूजा शब्द क्या जी करामात, हजूर ने कहा की पूछना चाहते हो, कल तुहानू देख के सबर नहीं आया। तीजी गल मौत, सतगुरां दे चेहरे ते मैं पिछले दिन क्या ज्ञानी ज्ञान सिंह नू पढ़ो ने महाराज दे स्वरूप नू बयान किया। एक तो कहिंदे ने महाराज दा जिहड़ा दाड़ा सी इह गुलाई विच सी, महाराज दा मत्था चौड़ा सी, बाहां पिता वर्गियां लंबेरियां सन, ते गुरु तेग बहादुर साहब दियां आ अखां दे जिहड़े दो कोर ने आ कोने ने इत्थे चमड़ी दा रंग चिट्टा सी, क्योंकि लगातार बिरहा विच आ के जो अखां चो नीर वगदा सी ये दोनों रस्ते जिहड़े थां ने ये चमड़ी रंग बदल चुकी सी। महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्होंने कहा जी जे नहीं तो मौत, ते नाल क्या तुहानू मौत तो भय नहीं। हजूर दे शब्द सुन वाले कहन लगे मैं सारी जिंदगी सिर्फ लोकां विच संगतां विच यही क्या है कि मौत तो सुचेत हो, एक दिन आउणी है जिहदी जागृति मैं पैदा कीती, उस मौत तो तुसीं मैनू डराई जांदे हो कि मरना है। महाराज कहिंदे मैं सारी दुनिया नूं कहा चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई, जो उपजो सो बिन सकै परो आज का काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। महाराज कहन लगे किते तो डरा रहे हो तुसी, पर दूजी गल इस तलवार नाल फिजिकल सिर उतर सकदा है पर रूहानियत ने कदी नहीं कट्टी जाना। सचमुच अज भी उस चौंक विच गुरु तेग बहादुर बोलदा है। महाराज जी ने कहा नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। महाराज जी ने जपजी साहब का पाठ शुरू किया। गुरमुखो पाठ विच पौड़ी दर पौड़ी सचखंड वल जा रहे ने, रसना तो बोल के सच एवे के गुरु तेग बहादुर सुरत करके भी सचखंड वाले पासे जाते पे। जदों पाठ संपूर्ण होया हजूर ने अकाल पुरख के शुकराने वजो अपना सी चुकाया। जलालुद्दीन ने तिखी कीती हुई तलवार पूरे जोर नाल मेरी सच्ची सरकार दी गर्दन ते वार कीता। हजूर दा सीस एक पासे चला गया ते धड़ एक पासे गया। ठीक है सानू पता है कई थावां ते भी इह धागा कट्टण दी गल, सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे सीस नूं सन्मानयोग भाई साहब भाई जैता जी ने चुकिया। मैं फिर बेनती करांगा एक भाई उदा जी एक भाई ननवा, भाई उदा जी छिंबे सन ये दर्जी का काम करते सन, भाई ननवा जी नाल है। इस सीस नूं चुक के मैं एक बारी दी कथा कीती भी है कि भाई साहब पड़ां दर पड़ां वेखो सिर तली ते रखना है। हकूमत ने तां इत्थों तक फारसी दे जिहड़े ग्रंथ ने उह चुकिया सी भी टुकड़े करके दिल्ली दे दरवाजियां ते टंगे जाण, पर धड़ नूं भाई लखी शाह वणजारा लै गया, उन्हां दा पुत्तर नगाईआ, भाई नगाईआ जी जिथे अज गुरद्वारा रकाबगंज साहब है इत्थे हजूर दे धड़ दा सत्कार कीता। सीस लै के गुरु का बेटा तुरिया, बड़ी वड्डी पदवी हुंदी है गुरु का बेटा। भाई जैता जी कोई सज्जन खारी का जिक्र कर दे, क्योंकि जो प्राणियां पढ़ दे तुसी इतिहास नूं वो खारी टोकरी टाइप है ना, वो उस विच रख के तुरदे आ, पर मैं शब्द वर्तना सीने ना ला के भावे सिर ते चुकिया है। 11 नवंबर की रात नूं भाई साहब जी निकलदे आ,
ते पहुंच दिया बागपट। भावा कई सज्जन त्रावड़ी का जिक्र करते जो अगे जाते हैं उत्थे फिर शेख वाहुद्दीन दे तकिए च रुकते हैं। हिंदू कृष्ण पाल वह प्रसाद पानी की सेवा करता है। भाई साहब सीस चौके उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब की किन्नी रहमत वरती। वह सतगुरु के सीस न मुहब्बत करता गुरसिख 12 नवंबर में स्वगते तुरते ने ते सन्मान योग भाई साहब के तिने सिख तरावड़ी पहुँचते हैं। शाम पै चुकी है किलिया के एक निकलती है गली। भाई साहब उरी सीस चुक के तुरे जा रहे ते धोबी कपड़े धो के आंदा पिया है। उस धोबी का नाम हिस्टरी विच भाई देवा राम लिखा है। उन्होंने मुलाकात होंगी है। भाई देवा राम जी पुछते हैं कि तुसी कौन हो? भाई जैता जी कहिंदे ने मैं गुरु नानक साहब का सिख हाँ। भाई देवा राम कहिंदा मैं गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शनों की लोच विच बैठा हाँ। ते महाराज जी क्योंकि अजकल वाला तो समा नहीं सी ना मैसेज इन्नी जल्दी पहुंच जाना। भाई जैता जी सुनदे आ भाई देवा राम कहिंदा मैं सतगुरां दा शरदालू हाँ, धोबी पुणे का काम करना। गुरमुखो सिखी एक कम्यूनिटी की नहीं। जे कोई यह कह जी जटा की खतरिया की भापिया की रमदासिया की जा इस तरह खिमा करो सिखी एडा वड्डा विशाल रहमत भरी दात है। ये सारी दुनिया की पूरी मानवता समा जाती है। सिख सिख है। भाई देवा राम अपने घर लै गए पर भाई साहब घट बोलते सन। भाई जैता जी ज्यादा नहीं बोले। ना बोलन का कारण एक मन बैराग नाल भरिया होया है। अंदर सची मुची भरिया है। गुरमुखो घर चले गए। भाई देवा राम कहिंदे ने आ मैनू आ की तुसी टोकरी च मैं सीने नाल कहना की सीने नाल लाया। जे कोई कीमती वस्तु लियाओ मैं रख लेना तुसी आराम कर लो थके होवोगे। कहन लगे ये ओ कीमती है जिदी बेश कीमती है कोई कीमत नहीं। भाई देवा राम जी कहिंदे चलो जिवें तुहाडी मर्जी मैं गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शनों की लोच हाँ। भाई जैता जी का मन बैराग चाहुंदा है। भाई साहब कहिंदे मंजा विछाओ। मंजे ते चादर विछाई। भाई साहब फिर गुरु तेग बहादुर साहब का सीस तो कपड़ा खोल के भाई देवा राम के परिवार को दर्शन कराते। उस तो बीदियां अखां चो सची मुची बिरह दा नीर वह तुरिया। सारी रात दीवा बाल के गुरु तेग बहादुर साहब दे सीस ते चादर नाल चौर करता रहा। भाई साहब भाई जैता जी देखो जिधर महाराज जी का मंजा सी पैंद वाले पासे अपना ढासना ला के पै गए। सवेरे सवखते उठे फिर सतगुरां दा सीस उत्थों अदब नाल चुकिया। तरावड़ी तो फिर अंबाले नूं जांदे आ पर जरनैली सड़क ते नहीं चलदे। ओ मैं कहना पगडंडियां चो झाड़ियां चो जंगलां चो लंघदा होया गुरु का लाल टांगरी नदी आउंदी इक अंबाले ते तरावड़ी दे विच। उस टांगरी नदी दे रुख दे थले सीस रखिया थोड़ा समा। उत्थों सीस चुकिया ते कैंथ माजरी है अंबाले विच। माजरी महला भी कहिंदे आ। उत्थों भी किसी मुसलमान ने दसिया भी इतने छिंबिया के परिवार ने। उत्थों सीस चुक के रात में उस महल्ले च पहुंचते हैं। उस महल्ले में जिस परिवार के घर गए उसका नाम भाई रामदेव सी। तरावड़ी वालों का नाम देवा राम उन्होंने नाम रामदेव है। तो वह पहचान लेंदे ने गुरु नानक साहब का सिख है बाणी पढ़न वाला। कहिंदे साढ़े घर रहो। भाई साहब जी फिर दस दिया कि गुरु तेग बहादुर शहीद हो गए आ ते मैं उन्हां दा सीस लै के गुरु गोबिंद राय जी दे कोल जा रहा हाँ। उत्थे फिर दोबारा फिर चादर खोल दिया। उत घ्यो दा दीवा बाल दिया ते उस दीवे दे चानने भाई रामदेव दा सारा परिवार सतगुरां दे पवित्र सीस दे दर्शन करदे ने। सच एव सारे बिरहा विच बिरहा मैं कहांगा बिरहा विच अखां विचों नीर खै
पर नाल भाई साहब कहते हैं इस अजर जर लो, मैं जर के तुरिया वा, मैं अपनी मंजिल ते पहुंचना चाहना, किसी नूं पता ना लग जाए। भाई साहब सारी रात भाई रामदेव सेवा कर दिया सीस दी, गुरमुखो इथों अंबाले तो फिर भाई साहब सीस चुकते हैं महाराज का सीस अदब नाल, इथों फिर चलते हुए पैदल जा पहुंचते हैं जिथे गुरद्वारा नाभा साहब है। चंडीगढ़ के एक पासे नाढा साहब है, बनूड़ वाले पासे नाभा साहब। इत्थे जदों शाम नूं पहुंचदे आ झाड़ियां च सोचते ने कि आराम कर लां थोड़ा समा, उत्थे आवाज जदों झाड़ियां च आउंदी है ते दरवेश दी कुल्ली विच दीवा बल रहा है, जोत बल रही है। बजुर्ग उस मुसलमान दा नाम सी पीर दरगाही शाह। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਬਿਰਾ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹੋ ਵੀ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਰਹਾ 'ਚ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਡੇਰਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ। ਇੱਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬਸਤਰ 'ਚੋਂ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਥੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 29-30 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ
हर रोज जिथे सत्कार किया ते नमस्कार करन जांदे सन। मैनू थोड़ी जी गल विशालता नाल सुनियो, तुसी गुरमुख सारे बैठे हो, हुण कईआं दे मन च आना जी जिथे सीस दा सत्कार किया उत्थे मत्था टेकण गए। जदों आप जी सीस गंज साहिब जांदे हो दिल्ली, गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप तां सामने प्रकाश है ना, फिर घूम के थले क्यों जाने हैं? सारे गए ना तुसी, थले क्यों जाने हैं? असली थां तां थले है जिथे हजूर दा पवित्र रक्त डुलिया है, खून जिथे डुलिया। गुरमुखो मैनू तुसी ये ना समझो मैं बुत पूजा कबरां दी पूजा दी गल कर रहा, उत्थे थले महाराज दा सरूप रखे है जी, ते सोखासन करके रखे है। क्यों? क्योंकि सिख की सुरत इन्नी कमजोर है, यह समझे भी गुरु तेग बहादुर साहब की उस लहू नाल भिजी हुई थां कबर नाल तुलना नहीं। प्लीज उन्हें थले मत लियाओ, जिथे गुरु का खून डुलिया है उत्थे लोग महाराज नूं मत्था नहीं टेकन जा रहे, उस थां नूं मत्था टेकन जा रहे जिथे खून डुलिया है। स्वरूप तो महाराज का उत्ते भी है, क्योंकि मेरी इस गल नूं हो सकता कईआं नूं ना पाए नहीं। गुरमुखो असी ठोकता सोना, सोना लाता ना, मैं कहना होए ये सोना कीमती है गुरु तेग बहादुर दी खून दी बूंदा नालों। ये साड़ी बिरती सी, थले भी सोना खब्बे भी सोना हर पासे सोना। ओ गुरमुखो जिथे गुरु दे खून दे तुपके डुल गए उत्थे कुछ भी ना लांदे, उस मिट्टी दी ही कीमत बहुत ज्यादा है। गुरु तेग बहादुर साहब उन्हां दा सीस आनंदपुर साहब पहुंचे, हजूर ने थड़ा बनवाया, थड़े दे सामने एक थड़ा होर बनाया जिन्हों अकाल बुंगा कहिंदे आ। आनंदपुर साहब दोनों बराबर ने, तुवां थावां ते प्रकाश है। महाराज जी ने जदों सीस चिखा च रखिया, बेनती करांगा भाई जैता जी नूं घुट के सीने नाल लाया, शब्द बड़ा वड्डा वरत्या, कहना नहीं कोई छोटा शब्द है। हजूर ने बख्शिश दे घर चाहे ते मैं कहना जिन्ना जिन्ना राहां तो भाई जैता जी हजूर दा सीस निकले लैके निकले, जिथे जिथे रुके हर थां ही सीस गंज बनती गई है। जिन्ना जिन्ना राहां तो निकले उन्हां सीस जदों सत्कार हो रहा है, मैं बेनती करा ओ बख्शिश कुट के सीने न लाया। माहौल इन्ना कु बैरागमई सी, किन्नी संगत कुट के सीने न ला के वर दिता रंगरेटे गुरु के बेटे, ते तीसरा शब्द क्या सदा पंत संग समेटे। तीन शब्द असी पढ़े नी जी, रंगरेटे पहला, दूजा गुरु के बेटे, ते तीसरा क्या सदा पंत संग समेटे, ते नाल शब्द क्या जो मंगोगे भाई जैता जी नूं जो मंगोगे तुहाडी झोली च पावांगे। वेखो निम्रता सिख दी, कहिंदा सतगुरु जी अमृत सर के इशनान बख्शो। इसी है रंगरेटियां दा बुंगा सी अमृतसर, महाराज अमृतसर के इशनान बख्शो। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब दा जो सत्कार किया सीस दा, क्योंकि भाई जीवन सिंह जी की शहादत नाल भी तुसी जुड़े हो, भाई जैता जी दे रूह विच पंगाणी दे युद्ध विच इन्हां ने कमाल कर दिती। भाई जैता जी ने मुकत सर तो पहला जिन्नियां लड़ाइयां गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ियां, हर लड़ाई दे विच भाई जैता जी मोहरी होके लड़े आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंगाणी दे युद्ध विच भाई साहब लड़े, उस तो पहला जिहड़े युद्ध होए पंगाणी दा युद्ध पहला है अमृत संचार तो पहला, गुरमुखो फिर अमृत दी दात लैके भाई जैते तो भाई जीवन सिंह जी बन गए। चलो असी अदब नाल बाबा जीवन सिंह भी कहने ते कहण च कोई हर्ज नहीं, बाबा दा अर्थ हुंदा बजुर्ग वड्डा। बाबा जीवन सिंह जी आनंदपुर साहिब रहे, मैं उन्हें बाबा जी नूं कह रहा सा, उन्हां दी एक किताब है, उस किताब का नाम है श्री गुरु कथा, 124 बंद ने उन्हां दी पोइट्री दे कविता दे, वह विद्वान बहुत सिरे दे सन बाबा जीवन सिंह जी। उन्हां दी जिहड़ी कविता है तुसी कमाल है, कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जदों तीर चलांदे ने इस तरह लोग डिगदे ने जिवें दात्री दे नाल सुक्की कणक वढ वढ के किसान सड़दा हुंदा है। उन्हां दी कविता नूं
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ 124 ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰ ਰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਟ ਵਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ 100 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਦੂਸਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਟ ਵਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਣਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਵਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ 10 ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ 10 ਘੜੀਆਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜੂਝੇ। 10 ਘੜੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 25 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 250 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ। ਹੁਣ 250 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਪੈ ਕਰਨੇ ਖਾਂ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, 10,000 ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਰੀਬ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਨਵਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਐਮਨਾਬਾਦ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੋਵਾਲੀਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਜੱਸੂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਸਪਤ ਰਾਏ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨੀ ਆਏ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਰਛੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜੱਸੂ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਦਿਸਿਆ ਹੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਵਾਹੂ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜਾੜੀ ਤੁਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਭਾਈ ਨਵਾਹੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ, ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨਵਾਹੂ ਸਿੰਘ ਦੌੜਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਥੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੁਛਲ ਪਕੜੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਸਿਰ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ।
ऐसे दीन दयाल गुरु तेग बहादुर साहब और उन्हां दे नाल सिंह सन्मान योग भाई जीवन सिंह जी उन्हां सब नूं दास दी नमस्कार है। बाबा जी टाइम मैं पूरा लाता हूँ ते क्योंकि जो बह जाइए तुसी टिका बड़ा बनया मैनू ऐतकी ना कहा भी रात दा नहीं दिन दा रखिया ते तुसी जे दिने भी प्रोग्राम रखणगे ते वध चढ़ के आया करो क्योंकि प्रचारकां लई आउणा बड़ा मुश्किल हो जाता थोड़ा जिहा धुंद नीक पैंदी है ते इस करके तुसी दिने भी टिका बख्शिया आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमृत संचार होया जी अज बची पुरानियां अमृत की दात लई है जिन्हां नहीं अमृत छकिया मैं फिर बेनती करांगा रंगरेटिओ सारे अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह दे बेटे बन जाओ। आप सब का धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बोले सोने।